कोई भी विपक्ष अगर सामने आ रहा है बोलने के लिए तो उसको राजद्रोह, देशद्रोह के केस में ईडी, आईबी और सीबीआई के द्वारा दबा दिया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है। लेकिन पूरे भारत में एक नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, बिल्कुल समाजवादी सोच वाले व्यक्ति हैं। आज देश में जिस तरह हिटलर शाही और अघोषित इमरजेंसी चल रहा है उसके विरुद्ध बोलने के लिए, उसके विरुद्ध जनता को आगे लाने के लिए एक नेतृत्व की तो जरूरत है, और नीतीश कुमार जी ने उस अगुवाई में बहुत, कांग्रेस से बड़ा नेतृत्व है जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जदयू क्षेत्रीय पार्टी है, उसके बाद क्या लगता है कि आप कांग्रेस से भी बड़ा नेतृत्व कर पाएंगे? तो आप जो भारतीय जनता पार्टी दलितों और महादलितों का आरक्षण खत्म कर रही है, दलित महादलित समाज के लोग परेशान है, नौकरियों में आरक्षण खत्म कर दिया गया, पिछड़ों का स्टाइपेंड खत्म कर दिया गया है, छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है, और पता नहीं मांझी जी को फिर क्या हो गया, कल तक कोस के गाली बक रहे थे, पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को गाली बक रहे थे, अब पता नहीं कौन सा उनको राग अलापने लगे हैं कि अब जाने लगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए कि मांझी जी में आपको क्या लग गया, और गया में ही वो सीट वो हारे हैं। आप समझ लीजिए आप कि उनके पास कितना बड़ा जनाधार है, और आज दलित महादलित अकलियत सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता से परेशान है। जब जनाधार ही नहीं है उस पार्टी का तो फिर 3 साल से क्यों लेके दौड़ रहे थे उसको, उसी समय उनसे वापस कर लेती है। ये हमेशा घंटी और ताली पिटवाते हैं, अमेरिका में और चाइना में जाके मोदी मोदी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमारा विदेश में तारीफ हो रहा है, और अपनी बात को कह देते हैं, हमारी पीड़ा सुनते नहीं है, मन की बात करके चले जाते हैं। सब चीज का रेट महंगा हो गया, सिलेंडर का दाम 1250, पेट्रोल का दाम 110, गेहूं चावल तेल सबका रेट महंगा हो गया, कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विद्वेष की राजनीति करती है, विघटन की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान उन्मादी फैला के देश में राज करना चाहती है, जो इस वर्ष 2024 के चुनाव में संभव नहीं है। और नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत में, मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पूरे देश में विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को महाबैठक पटना में होने जा रही है। ऐसे में हम बात करने के लिए, इसी के संदर्भ में बात करने के लिए हम अभी आ पहुंचे हैं अंजनी पटेल के पास, प्रदेश महासचिव है, उजियारपुर के प्रभारी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये पूरी एकता कैसे होगी, विपक्षी एकता, जहां एक और बिहार में जो महागठबंधन में जो सरकार में जो शामिल थी मांझी की पार्टी हम, वो साथ छोड़ के चली जा रही है, और एक और बात हो रही है पूरे भारत में विपक्षी एकता की, तो क्या इसके मायने हैं और क्या कुछ कहते हैं, आइए खुद बात करते हैं अंजनी पटेल जी से। सर, तो सबसे पहले विपक्षी एकता की बात चल रही है, अगुआ कर रहे हैं आपके नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पर लेकिन उससे पहले बिहार में जो गठबंधन में जो सरकारें थी, जो राज्य जो पार्टियां थी, वो पार्टियां खुद साथ छोड़ के चली गई मांझी जी की, हम क्या कहेंगे पहले? देखिए, नीतीश कुमार जी पूरे भारत में सारे विपक्षी दलों का अगुवाई कर रहे हैं, और सारे विपक्षी दल जो है पूरे भारत में, उन लोगों ने नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट इसलिए किया है कि आज जो देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, बढ़ते हुए दाम है, जनता परेशान है, त्राहिमाम है, इस मुद्दे पे कोई भी विपक्ष अगर सामने आ रहा है बोलने के लिए तो उसको राजद्रोह, देशद्रोह के केस में ईडी, आईबी और सीबीआई के द्वारा दबा दिया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है। लेकिन पूरे भारत में एक नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, बिल्कुल समाजवादी सोच वाले व्यक्ति हैं, उनके पास विजन है, इसलिए नीतीश कुमार जी ने इस चीज़ को पहल किया कि हम लोग राजनीति करते हैं, और राजधर्म निभाना राजनीति करने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य होता है। आज देश में जिस तरह हिटलर शाही और अघोषित इमरजेंसी चल रहा है उसके विरुद्ध बोलने के लिए, उसके विरुद्ध जनता को आगे लाने के लिए एक नेतृत्व की तो जरूरत है, और नीतीश कुमार जी ने उस अगुवाई में बहुत सफलता पाई है। आप देखे होंगे सर, नेतृत्व की बात आ रही है, जो कांग्रेस से ही बड़ा नेतृत्व है, जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जदयू क्षेत्रीय पार्टी है, उसके बाद क्या लगता है कि आप कांग्रेस से भी बड़ा नेतृत्व कर पाएंगे? देखिए, आपको मालूम होगा कि ये बिहार की धरती है, और जब राजनीति में बहुत बड़ी करवट होनी होती है, बहुत बड़ी क्रांति आनी होती है, तो बिहार से शुरू होता है। उसी का उदाहरण है कर्पूरी ठाकुर, उसी के उदाहरण है लोहिया जी,
इन लोगों ने जो क्रांति लाया और उसके आधार पे जेपी मूवमेंट हुआ, जेपी मूवमेंट हुआ उसके आधार पे देश में उस टाइम कांग्रेस की शासन थी उसको भी नेस्तनाबूद किया गया था। निश्चित तौर पे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से एडिट वीडियो और व्हाट्सएप ज्ञान बांट बांट के उसके नेतृत्व को हमेशा दबाने का प्रयास किया है, लेकिन उसके विपरीत नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा है कि हम पीएम के दावेदारी में, उन्होंने ये कहा कि हमें विपक्षी को एक साथ लाना पड़ेगा ताकि जो देश में हिटलरशाही शासन चल रही है उसको समाप्त करना है और ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चले, राजतंत्र से नहीं चले, उसके लिए नीतीश कुमार जी ने पहल किया। अब आइए, हम आपको हमारी पार्टी के बारे में आपको मालूम होगा कि अभी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा और महागठबंधन में जो हमारे 7 दल थे बिहार में, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे किसी दल को किसी से मतभेद नहीं था, लेकिन एक दल जिनको कहिए कि वो स्वार्थी ही है पूरी तरह, वो हमारे महागठबंधन को छोड़ के निकल गई। अब उसका कारण समझ लीजिए, आज से 3 बरस पहले हमारे माननीय मांझी जी के पुत्र को आरजेडी के लोगों ने एमएलसी बनाया, तब उनके पास कोई विधायक नहीं था। उसके बाद फिर मांझी जी ने नीतीश कुमार जी के पार्टी में आकर, समाजवादियों के घर में आकर, फिर उन्होंने विश्वास और भरोसा दिलाया कि नहीं, हम देश की तरक्की में गरीबों के दलितों के उत्थान में सहयोगी रहेंगे। उसके बाद उनके भी पुत्र को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंत्री बनाने का कार्य किया। अब उनको कौन सा लालच है, कौन सा स्वार्थ है, ये तो वही जानते हैं, क्योंकि उनका जो कहनाम था कि हमारे दल को कहा गया है कि आप विलय कर लीजिए, साहब आपके दल को नीतीश कुमार जी क्यों कहेंगे, चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने ये बात को गछा भी है नेशनल मीडिया पर कि हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था कि वो छोटी छोटी दुकान है क्यों चलेगी, एक दुकान के नीचे आ जाया जाए ताकि अच्छे से हम लोग बीजेपी का सफाया कर सके। तो क्या सर लगता है, एक और ये भी सवाल उठता है, क्या जदयू चाहती है छोटे दल खत्म हो जाए, चूंकि कुछ दिन पहले विपक्षी लोग ने ही बीजेपी पे आरोप लगाते थे कि वो चाहती है कि छोटे छोटे दलों को समाप्त कर दे, राज्य स्तरीय दलों को, यहाँ तो जदयू ही समाप्त करने की बात कर रही है। देखिए, प्लेटफॉर्म पे जो बात रखी गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी छोटे दल हैं, तो छोटे दल से मतलब क्या है, छोटे दल से मतलब ये है कि जनाधार नहीं है उनके पास, उनके पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। अब वैसे दल भी अगर लोकसभा चुनाव में 10 सीट मांगते हैं, वैसे दल के लोग भी मंत्रालय में हिस्सेदारी अपनी मांगते हैं कि हमको 20% दे दो, कोई संभव है क्या? इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप अगर एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं तो आपके पास जो संगठन है उसको एक साथ हम लोग मिल के चले, और मिल के चूंकि इन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में खुद ही कहा है कि नीतीश कुमार देश के अगुवाई कर सकते हैं, तो उस संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने उनको कहा कि भैया आप अपने पार्टी को हमें विलय कर लो, लेकिन उनको कौन सा पुत्र मोह के बाद अब उनको मोह हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने शायद उनको कहा है कि हम गवर्नर बनाना चाहते हैं। तो आप जो भारतीय जनता पार्टी दलितों और महादलितों का आरक्षण खत्म कर रही है, दलित महादलित समाज के लोग परेशान हैं, नौकरियों में आरक्षण खत्म कर दिया गया, पिछड़ों का स्टाइपेंड खत्म कर दिया गया है, छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है, और पता नहीं मांझी जी को फिर क्या हो गया, कल तक कोस के गाली बक रहे थे, पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को गाली बक रहे थे, अब पता नहीं कौन सा उनको राग अलापने लगे हैं कि अब जाने लगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए कि मांझी जी में आपको क्या लग गया कि अब उसको आप अपने पार्टी में लाना चाहते हैं। अब मांझी जी आपके गठबंधन में नहीं है तो क्या कोई दबाव पड़ेगा, कोई ऐसी वोट बैंक कटेगी उनके ना रहने से? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मांझी जी जिस टाइम चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से, तो उनको जब सीट मिला था तो मात्र एक सीट जीत पाए थे, अब बाकी सारा सीट हार गए थे, और गया में ही वो सीट वो हारे हैं। आप समझ लीजिए आप कि उनके पास कितना बड़ा जनाधार है, और आज दलित महादलित अकलियत सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता से परेशान है। जब जनाधार ही नहीं है उस पार्टी का, तो फिर 3 साल से क्यों लेके दौड़ रहे थे उसको, उसी समय उनसे वापस कर लेती जेडीयू। नहीं, आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार जी ने हमेशा सब लोगों को साथ, वो तो विपक्ष की इज्जत करते हैं, वो तो कहते हैं जब विपक्ष का सीट कम रहता है तो कहते हैं भैया विपक्ष को ही मजबूत रखो तभी हमारा लोकतंत्र कामयाब है। मांझी जी की पार्टी साथ लड़ी थी,
और साथ लड़ने का तो आप देखे होंगे कि उसमें चार सीट वो जीते, वो किसके वजह से जीते, वो नीतीश कुमार के काम की बदौलत जीते। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार के पास किसी तरह का छल प्रपंच नहीं है, वो वोट की चिंता नहीं करते, वोटरों की चिंता करते हैं। चाहे वो नियत समय के पहले बिजली पहुंचा देना, हर घर नल शुद्ध जल पानी पहुंचा देना, महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दे देना, दलित महादलित के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाना, तो ये सब नीतीश कुमार की देन है। और नीतीश कुमार के काम के आधार पर बिहार की जनता उनको काफ़ी सम्मान देती है। इस नाते मांझी जी जीत गए। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर मांझी जी जाते हैं तो इस बार तो पूरे मतलब पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विद्वेष है, लोगों के प्रति ईर्ष्या है कि कौन क्या कर रहा है भाई। ये हमेशा घंटी और ताली पिटवाते हैं, अमेरिका में और चाइना में जाके मोदी मोदी चिल्लवाते हैं और कहते हैं कि हमारा विदेश में तारीफ हो रहा है, जबकि भारत में सभी जनता सभी वर्ग के लोग कराह रहे हैं। बिजनेस सबका मार खा गया, छोटे छोटे उद्यमियों का। देश में दो ही लोग हैं जो एक बेच रहा है और एक खरीद रहा है, और दोनों गुजरात के हैं। तो ये साहब गुजरात मॉडल से देश थोड़ी चलेगा, ये बिहार है साहब, बिहार है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। अभी कर्नाटक में उनकी बहुत बुरी तरह हार हुई थी, क्यों हुई थी आपको ये भी समझना पड़ेगा। इसलिए हुई थी कि वहाँ पे उन पे सबसे बड़ा आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, 40% कमीशन पे ही वहाँ काम होता था, और जिसके आधार पे वहाँ भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हुई। तो अब भारतीय जनता पार्टी में जो एक वन मैन आर्मी शो चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी अब नहीं चलता है देश में। देश की जनता समझ गई कि आते हैं और अपनी बात को कह देते हैं, हमारी पीड़ा सुनते नहीं है, मन की बात करके चले जाते हैं। सब चीज़ का रेट महंगा हो गया, सिलेंडर का दाम 1250, पेट्रोल का दाम 110, गेहूं चावल तेल सबका रेट भागा हुआ है। बात कर रहे हैं 23 तारीख को जो महागठबंधन की महाबैठक होने जा रही है पटना में, पहली बार ऐसा होगा कि देश से बड़े बड़े नेता जुटेंगे पटना में। तमाम लोगों को इन्विटेशन भी दिया जा चुका है, केजरीवाल साहब आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं, शिबू सोरेन जी के पुत्र आ रहे हैं, बाकी तमाम पर, लेकिन मायावती का कहीं पे नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ही विपक्ष में है। यूपी के अखिलेश जी आ रहे हैं, ममता बनर्जी आ रही हैं कलकत्ता से, लेकिन मायावती यूपी से नहीं आ रही है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, इस पूरे देश में नेताओं के दम पे अगर सब कुछ चलता तो वो नेता 50 वर्षों तक राज करता, 100 वर्षों तक राज करता, लेकिन होता नहीं है। जनता सब समझ रही है, अगर महादलित वर्ग के जो भी नेता हैं और वो हमेशा प्लेटफॉर्म पे महादलितों के हिच्चा की रक्षा की बात करते हैं, दलितों के रक्षा की बात करते हैं, दलितों के उत्थान की बात करते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपने उत्थान की बात करते हैं, तभी तो वो नेस्तनाबूद हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं आप देख लीजिए, विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों से यूपी में उनका क्या हाल हो गया है, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। अब उनका नहीं आना आना कौन सा डीलिंग राजनीति में किसकी हुई वो तो हम नहीं जानते हैं, बताना भी हम नहीं समझते हैं उचित। लेकिन जो 23 तारीख को यहाँ पे विपक्षी एकता के तहत जितने भी हमारे भारत से बड़े बड़े लीडरान लोग आएंगे, वजीर लोग आएंगे, वो सभी बैठ के एक ही चर्चा करेंगे कि हम लोगों को अगर देश को आगे लाना है, मध्यवर्गीय परिवार को जीने की आज़ादी देनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश चलेगा, तो उसमें एक सब जितने भी लोग आएंगे वो एक प्लेटफॉर्म पे आके उस चीज़ का उस दिन वहाँ से शंखनाद करेंगे। और जो नहीं आ रहे हैं उनकी कुछ मजबूरियाँ भी रहती हैं, ऐसा नहीं है, राजनीति है तो बहुत सारी मजबूरियाँ रहती हैं, इस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं होगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर जो दल और जो पार्टी दलित और महादलित के उत्थान की बात करती है और वो जिसके विपरीत में वो जनता को कहती है कि ये शासन खराब चल रहा है जिसके कारण महादलितों की इज्जत नहीं हो रहा है, जैसे अभी हमारी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको राष्ट्रपति संसद भवन उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, उसके पहले भूमि पूजन में हमारे रामनाथ कोविंद जी, वो भी महादलित के समुदाय से आते थे, उनको भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। तो ये तो जनता समझ रही है, देश की जनता, कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी संरचना पे चल रही है जो देश एक्सेप्ट नहीं करता है, वो दलितों और महादलितों से घृणा करती है। सिर्फ चुनाव के समय उसके घर में जाएगी और उसके यहाँ बैठ के पहले अपने लोगों से फर्श बिछवा लेती है और बैठ के वहाँ पे खाना खा के फोटो खिंचवाती है, जिससे देश के लोगों में ये पूरी तरह समझ आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विद्वेष की राजनीति करती है,
विघटन की राजनीति करती है। हिंदू मुसलमान उन्मादी फैला के देश में राज करना चाहती है, जो इस वर्ष 2024 के चुनाव में संभव नहीं। हमारे साथ अंजनी पटेल, प्रदेश सचिव और उजियारपुर विधानसभा के प्रभारी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि 23 तारीख को पटना की धरती से शंखनाद होगा और पूरे भारत से एनडीए और बीजेपी की सरकार की विदाई तय है 2024 में। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्षी एकता कितनी मजबूत होती है 23 तारीख को। 17 से ज्यादा दलों को इनविटेशन दिया जा चुका है, पटना आने का न्योता दिया जा चुका है, कितने आते हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आता है पटना से। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, सौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।